YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध लेखन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जवाहरलाल जी का हमारे देश के प्यारे नेता थे। वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल प्रसिद्ध वकील और कश्मीर के पंडित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन बड़े प्यार और मज़े में गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा देश में हुई और उच्च शिक्षा विदेश में हुई। वे बैरिस्टर बनकर देश में लौटे। उनका विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उस समय हमारा देश गुलाम था। भारतीय मुसीबतें झेल रहे थे। गांधी जी के साथ रहकर नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। कई बार जेल गए। देश के लिए बहुत दुख सहन किए। पंडित नेहरू ने अपना तन मन धन देश में लगा दिया। उन्होंने आराम हराम का नारा दिया। देश के आज़ाद होने पर जब प्रधानमंत्री बने तब वे देश को हर बात में स्वावलंबी बनाने की कोशिश करने लगे। वे शांति के दूत थे। उन्होंने सारे संसार में लड़ाई रोकने की कोशिश की। पंडित नेहरू को गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था। हमेशा अपने कोट में फूल लगाते थे। इसके सिवा छोटे बच्चों को चाहते थे। दुनिया भर के बच्चे चाचा को देखकर खुश होते थे। उन्हें प्यार से चाचा कहकर पुकारते थे। एक बार जापान के बच्चों ने लिखा कि एक हाथी भेज दो। चाचा ने उसे तुरंत भेज दिया। नेहरू जी अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते थे। देश के ऐसे दुलारे नेते 27 मई 1964 को हृदय की गति रुकने से संसार से चल बसे। आज भी हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिवस मनाते हैं। इस प्रकार आज हमने हिंदी निबंध लेखन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में बहुत ही सुंदर और आसान भाषा में जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।